टेलर का मॉडल देखते हैं करिकुलम डेवलपमेंट में, कि टेलर का मॉडल जो है वो किस तरह आया था, और टेलर ने फोर प्रिंसिपल बेस्ड मॉडल बनाया था। ठीक है, देखिए इस मॉडल को इसने अपनी एक बुक जो थी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, उसमें इसने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, टेलर ने अपना जो मॉडल है ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन की बुक में उसने किया था। ठीक है, उसमें चार जो है बेसिक प्रिंसिपल्स और उनके आंसर्स दिए थे। अब वो चार प्रिंसिपल्स क्या है, देखिए सबसे पहले मैं कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन का पर्पस क्या है टू स्कूल में। ठीक है, व्हाट इज एजुकेशनल एक्सपीरियंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड। ठीक है, हाउ कैन दीज एक्सपीरियंस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, हाउ वी डिटरमाइन द पर्पस। वन बाय वन को समराइज करते हैं। देखें सबसे पहले उसने जो चार पॉइंट दिए थे, सबसे पहली बात उसने की थी वो पर्पस ऑफ स्कूल्स की बात की थी। ठीक है, दूसरी बात उसने जो की थी वो एजुकेशन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द पर्पस, वो सारा एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो कि पर्पस से रिलेटेड हो। तीसरा उसने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्पस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। चौथा उसने बात की थी एवेल्युएशन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, सबसे पहले पर्पस, स्कूल का पर्पस क्या है, फिर उसका एजुकेशन पर्पस, एजुकेशन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस और एवेल्युएशन एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं।